अरे उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। देखिए यहाँ पर चार सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, और फाइंड आउट करने को बोला है नीचे जो सेट के ऑपरेशंस हैं। तो एक से लेके यहाँ पर आपको 10 तक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, और इनका पूछा है इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास ये जो है ना यहाँ पे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं अगर सेट में, कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, ए आपको इंटरसेक्शन बी निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। ए आपका क्या है, 3 5 7 9 इस तरीके से है, ठीक है। बी आपका क्या है, 7 9 11 13। दो चीज आपके सामने हैं, इंटरसेक्शन निकालना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, कॉमन एलिमेंट। देखिए कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, देखिए ऊपर वाले में 7 कॉमन आ रहा है, या नीचे भी देखिए 7 नजर आ रहा है, ऊपर वाले में 9 है, नीचे में भी देखिए ऊपर दोनों 9 है, 11 13 नहीं है, ऊपर 3 5 नहीं है, कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 और 9, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन निकालना है आपको। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बना लिया, ईजी रह जाता है इससे, है ना। तो इसमें क्या है मुझे ए, उसमें मुझे बी और सी निकालना है। कॉमन क्या है देखते हैं, ये देखिए 13 यहाँ कॉमन है, 13 यहाँ कॉमन है, 11 यहाँ कॉमन है, 11 यहाँ कॉमन है। मतलब कि अगर आप बी इंटरसेक्शन सी निकालने का सोच रहे हैं तो सिंपली 11 और 13 ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है जी। जब हम ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो क्या हमें मिलने वाला है, एक बार देख लेते हैं। ये हमें मिलेगा तो यहाँ पर ये देखते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन सी को सबसे पहले निकालेंगे, जो रिजल्टेंट बचेगा उसको डी से निकालेंगे, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन सी आप निकाल लीजिए, क्या होगा, ये है ए और ये है सी, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। कॉमन एलिमेंट देखिए 11 कॉमन है, यहाँ पे यहाँ पर भी 11 कॉमन है, ठीक है। ऊपर क्या है या नीचे देखिए 13 15 है, ऊपर 13 15 कहीं नहीं है, तो इसका कॉमन क्या हो गया, 11 हो। इसको अब किससे इंटरसेक्ट करेंगे, इसको डी से इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करेंगे, मतलब कि 11 देखेंगे डी में है या नहीं है, देख लेते हैं 11 डी में तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिजल्टेंट क्या होने वाला है, ये नल सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये तो 11 है और 11 इंटरसेक्शन डी करेंगे, डी में तो 15, आपका 15 और 17 है, तो इसका तो इंटरसेक्शन बनेगा ही नहीं, नल सेट बनेगा, ये नल सेट है, ठीक है ना। यही नल सेट इसका आंसर हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी को कैसे करेंगे देख लेते हैं, एलिमेंट देख लेते हैं, ए बी सी डी, ए ये है, इंटरसेक्शन सी ये है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें कॉमन एलिमेंट निकालना है। कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन देखिए क्या है, 11 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 15 है नहीं, और यहाँ पर 3 5 7 9 नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना। क्या है इस पर देख लेते हैं, एलिमेंट देखते हैं, ए से लेके डी तक है, तो बी ए हो गया आपका, डी ए हो गया, देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला आपको यहाँ पे, 15 है, 17 है, यहाँ पे क्या है, 7 9 11 13, कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नल सेट, नल सेट इसका आंसर है, नल सेट है ना, यही इसका आंसर हो जाता है। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करना है, एलिमेंट देख लीजिए, ए बी सी डी है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए पहले जो आपको ब्रैकेट दिया ना उसी को ही कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें ये ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है ना। तो अभी बी और सी को देखते हैं, बी एंड सी, ठीक है, बी यूनियन सी, बी और सी में देखिए यूनियन निकालना है, गौर करिएगा यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं, मतलब कि इसके टोटल एलिमेंट देखिए क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, कॉमन है कोई बात नहीं, एक बार ले लेंगे, 13 कॉमन है कोई बात नहीं, एक बार ले लेंगे, फिर 15 है, इस तरह से ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना इसको आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से आप कर दीजिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं, मतलब कि आपका ये जो पूरा है ना इसको आप ए से कर दीजिए, इनमें इंटरसेक्शन बनाइए, क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं। देखिए 7 यहाँ कॉमन है, 7 यहाँ कॉमन है, 9 यहाँ कॉमन है, 9 यहाँ कॉमन है, 11 यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7 9 और 11,
ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो ये प्रॉब्लम थी इसको हमने टुकड़ों में बांटा, पहले तो यहाँ पर हमने यूनियन निकाला ये वाला, फिर हमने इंटरसेक्शन निकाला, ये हम रिजल्टेंट आंसर लेकर आ गए। ठीक है, सेवंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवंथ पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी में चलते हैं। ये देखिए ए एंड डी ये हो गया, ए ये है और डी ये है, क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन डी लेके चलना है। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 15 17 है, ये ऊपर 15 17 है ही नहीं, तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका आंसर नल सेट हो जाए, यही इसका आंसर हो जाता है। एट्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एट्थ पार्ट क्या है, एट्थ पार्ट है आपका यहाँ पे, आपको निकालना ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये समझते हैं सबसे पहले, और फिर आगे प्रॉब्लम पे चलेंगे। सबसे पहले एलिमेंट देख लेते हैं, एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी आपको ऐसे दिया हुआ है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी आपको दिया हुआ है, तो बी यूनियन डी। ठीक है, करते हैं, कॉमन एलिमेंट नहीं करने हैं मुझे, दोनों में जो भी एलिमेंट है उन सबको लिखना है। बी और डी, बी और डी में क्या है टोटल एलिमेंट, 7 9 11 13 15 और 17, ये है। ठीक है, परफेक्ट है। अब ये जो है ना, इसका एग्जीक्यूशन करना है मुझे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी के साथ में। कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, ए जो है ना ये वाला, ये इसमें और इस वाले में कॉमन क्या है देख लेते हैं। देखिए 11 यहाँ कॉमन है, 11 यहाँ कॉमन, 11 यहाँ कॉमन है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो कॉमन एलिमेंट क्या मिल जाते हैं इसमें, कॉमन एलिमेंट मिलते हैं 7 9 और 11, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से प्रॉब्लम को। अब आगे चलते हैं, नाइन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। नाइन्थ पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, ये वाली चीज़ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे और इनका रिजल्टेंट को इंटरसेक्शन बना देंगे। करते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्या ए है और बी है, इसका इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, इनका कॉमन मतलब कि ये देखिए ये है 11, 11 कॉमन है, 7 7 और 9 9 ये कॉमन है। ठीक है, हमने लिख लिया 7 9 11 कॉमन है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला जो बी यूनियन सी है इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। बी तो हमारे पास है, सी देख लेते हैं क्या है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में है 11 13, तो 11 13 हमने कर दिया, तो यहाँ लिख दीजिए 11 और 13 हमने कर दिया। अच्छा, अब देखिए क्या करना है, बी और सी का हमें यूनियन निकालना है। बी सी का यूनियन कैसे होगा देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए बी ये है, बी सी का यूनियन क्या होने वाला है, बी 7 9 11 13 15, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों रिजल्टेंट आया ना इनका इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, इसका इंटरसेक्शन कैसे करना है, बी यूनियन सी। कैसे निकालेंगे इसको, इसका मतलब इन दोनों में मुझे कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं, इन दोनों ऊपर वाले में 7 है 9 है 11 है, 7 है 9 है 11 है, परफेक्ट बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 9 11, यही इसका आंसर हो जाता है, 7 9 11। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, टेंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। टेंथ पार्ट क्या कहता है आपको, ए यूनियन डी, और देखिए आप क्या निकाल, सबसे पहले निकालते हैं ये यूनियन, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी निकालते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी, सारे के सारे एलिमेंट, ज़्यादा सोचना नहीं है, 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है ना। उसके बाद बी यूनियन सी क्या है, 7 9 11 13 और 15, इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। 7 कॉमन है 9 कॉमन है 11 कॉमन है, 7 9 11 कॉमन है, 13 भी यहाँ पे देखिए कॉमन आता है, तो 7 9 11 13, ठीक है ना, 7 9 11 और 13, यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल है, हमें सब के सब जो सेट्स हैं हमारे सामने हैं, जो भी ऑपरेशन है उसको ब्रेक बाय ब्रेक करके चलेंगे, एलिमेंट को समझेंगे और फिर जो भी कॉमन आएगा उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे और जो टोटल यूनियन कर देंगे तो सारे के सारे एलिमेंट एक साथ लग जाएंगे। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।